नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन जो प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पे चल रहा है, जिसको 12 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है, उसका आकलन प्रपत्र आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप पढ़ के इनके प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जिसके संभावित उत्तर इस तरीके से होंगे, जिसको मैं खुद सबमिट कर रहा हूँ लाइव। आप इसको देखें, इसमें कुछ प्रश्न आपके गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इनके प्रश्नों को फिल करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहां मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वो ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। इनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार इनकी पढ़ाने सिखाने के बारे में क्या मान्यता हो सकती है? अधिक उचित विकल्पों को चुनकर आप इसमें भर सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी कराऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो इसका जो आंसर है वो पहला और तीसरा है। बच्चे खाली घड़े की तरह है, जिससे ज्ञान को भरने की ज़रूरत होती है। और तीसरा ऑप्शन है, सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाने और बच्चे सुने। तो इसको आप सबमिट कर दीजिए, ये पहला आपका हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं, जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके, पहला है बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय सहभागिता बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें आपका आंसर होगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन। क्लिक करके आप इसको कर दीजिए सबमिट। आ जाते हैं फटाफट तीसरे प्रश्न पे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं, दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? आपको दो बेहतरीन तरीकों को चुनना है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा आंसर रहेगा, बच्चों को जोड़ने और समूह में अधिक काम करने का मौका देकर और विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को देकर। आप इस पर सबमिट करके इसको कर दीजिए जारी। अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? तो इसमें जो आपका आंसर है वो दूसरा है, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उच्चारण से बच्चों से पूछना। इस पर आप क्लिक करके इसको कर दीजिए जारी। पांचवा प्रश्न आ जाइए, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं, आपके अनुसार उनके समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो इस पे आपको जो है तीसरे ऑप्शन के साथ जाना है, मिश्रित क्षमताओं के आधार पर समूह बनाना। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे, जिसमें आपको दिया गया है, मड़ालिनी जी ने अपने बच्चों को जोड़ने में कहानी पढ़कर उनके अर्थ पर चर्चा करने को कहा, इसके अनुसार इसमें क्या होगा, इसमें सटीक उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलुओं को सीख पाएंगे। सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सातवें प्रश्न पे। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों को दिए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं, इस तरह के तरीके से आप क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दो विकल्प चुन के आपको सही उत्तर देना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा आपका विकल्प सही है, बच्चों को विषय या अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ आप सबमिट कर दीजिए इसको, ये आपका आंसर हो गया सही। अगला प्रश्न है, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? ना, हाँ, ना या एक शब्द के उत्तर वाले सवाल, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इसमें मेरे ख्याल से तीसरा और चौथा होना चाहिए। चलिए इसको सबमिट करते हैं, बिल्कुल सही, इसमें तीसरा और चौथा सही है। और नवा प्रश्न है, तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की पाठ योजना पाठ पढ़ाना, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाना चाहते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों के समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन मनाने के लिए क्रम
से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी, इसके अनुसार इस गतिविधि को कराने में क्या क्या लाभ हो सकता है। तो इनके उत्तर हैं पहला और दूसरा, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा, बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ अब इसको सबमिट करिए, ये हो गया आपका सही आंसर। और अगला 10वां प्रश्न है, इसमें कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं, आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे, सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन तर्क है वो है तीसरा, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नजरिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझ पाएंगे। तीसरे ऑप्शन को टिक करके आप इसको कर दीजिए सबमिट। तो इस तरीके से ये हो गए आपके 10 प्रश्न कंप्लीट और इसी के साथ आपका प्रशिक्षण हो गया पूरा कंप्लीट। तो इसको आप कर लीजिएगा फिर डाउनलोड, इसका सर्टिफिकेट आ चुका है, आप इसको कर लीजिएगा डाउनलोड। तो इस तरीके से ये लिख के आएगा कि आपका सर्टिफिकेट मतलब कि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, सारे पार्ट आपको कंप्लीट करके इस प्रशिक्षण को पूरा करना है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।